सरुद्दीन अवैसी साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। उम्मीदवार जनाब मुमताज मफ्ता साहब अराकी ने बल दिया कुदरो मोहम्मदीन उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मेरे बुजुर्गो मेरे नौजवान साथियों बस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे सरदार और बहनों अजीज दोस्तों मैं अपने हर तकरीर में इस बात की अहमियत को आपके सामने रख रहा हूं कि ये असेंबली और पार्लियामानी इंतखाबात हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं जो मुल्क में जितनी रियासतों में जितने पार्लियामानी इंतखाबात हुए और वहां से जो मुझे इत्तला मिल रही है अल्लाह करे कि मेरी बात गलत साबित हो और मुझे जो इत्तला मिल रही थी दोस्तों हमारे लिए ठीक नहीं है। खास तौर से जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि उन रियासतें जहां पर हिंदी रियासतें हम बैठे हैं यहां पर बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट गया। जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए जिन मुकाम पर हुए बिहार में हुए हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में हुए मैं आपको जिम्मेदारी के साथ जो लोग मुझसे बात किए वो मुझे कह रहे थे कि असद साहब कम से कम जुनूबी हिंदुस्तान को बचा लो कम से कम सरजमी दखन के लोगों से हमको उम्मीद है कि वो इतिहाद का मुजाहरा करेंगे वरना जिस शिद्दत के साथ हिंदुत्व का जहन इस जगह पर मजबूत हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार में आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संघ परिवार ने काम किया बिहार के बाद मुकामात पर काम किया और जब नतीजा आएगा तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे उन्होंने अपना जहर को फैला दिया। मैं यहां पर संतोष नगर की आवाम से कह रहा हूं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं और हम बयान कर रहा हूं कि अगर हम इस इलेक्शन की अहमियत को नहीं समझेंगे मेरे अजीज दोस्तों तो याद रखो नुकसान हम तमाम का होगा। ये इलेक्शन इस बात को तय करेंगे कि हमारा मुल्क एक डिक्टेटर के हाथ में जाएगा या फिर कोई सेकुलर जहन रखने वाले शख्स के हाथ में जाएगा। हमारी रियासत तेलंगाना में क्या तेलुगु देशम बीजेपी का इत्तेहाद कामयाब होगा या अगर हम मुमताज खान को कामयाब करेंगे मजलिस को कामयाब करेंगे तो तेलंगाना में बीजेपी और तेलुगु देशम का इतिहास नाकाम होगा। ये सिर्फ मोटे मोटे अल्फाज में इन चीजों को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन 56 साल से अवाम की खिदमत करती आ रही है। आज जो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन पर उंगलियां उठा रहे हैं अगर उनकी पहचान है उनके मरहूम वालिद की पहचान है तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से थी। आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने एक रिकॉर्ड कायम किया। लोग हमसे पूछते तुमने क्या किया ये दो ऐसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को अगर अल्लाह जमान देता तो बिल्डिंग तुमसे पुकार पुकार कर कहती कि देखो जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाया या अल्लाह उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करते थे इसके लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी। अगर अल्लाह दारुस
सलाम के उस इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग को जबान देता तो पुकार पुकार कर कहती कि हाँ जिन लोगों ने इसको बनाया इसकी एक एक ईंट में उन लोगों के खून और आंसू थे, इसकी एक एक ईंट में उन लोगों की कुर्बानियां थी जिन्होंने जिंदगी भर हुकूमतों से टक्कर लिया। क्यों लिया? ताकि मजलूम कौम के बच्चे उसमें पढ़ सके। अगर दारुसलाम बैंक की इमारत पर अल्लाह जबान देगा तो वो दास्ताने सुनाएगा कि कितने नौजवानों को वहां से लोन मिला। ओवरसरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपके सामने है, क्या कोई दवाखाना मुझे बताइए जो 500 रुपए में डायलिसिस का करता है? कोई दवाखाना बताइए मुझे जहां पर कम पैसों में गरीबों का इलाज होता है? अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, झोपड़ी नहीं बना सकते और आकर बड़े बड़े बुलंदबाज दावे करना, यही तो इनकी फितरत है। क्या तुम भूल गए आवाम? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, क्या तुम भूल गए बाबरी मस्जिद के सौदे का झूठा इल्जाम? आज मालूम हुआ कि बाबरी मस्जिद का सौदा किसने किया था, किसने शहीद किया बाबरी मस्जिद को? नरसिम्हा राव, आरएसएस, पुलिस, सारी दुनिया ने देखा मगर आवाम के दरमियान में आकर हमारे इतिहास को इंतजार में तब्दील करने वाले, आज बताओ बाबरी मस्जिद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बाबरी मस्जिद के बारे में कोई राय नहीं है। मरहूम कायद सालार मिल्लत ने अपने सर पर फरान उठाकर कसम खाई कि अल्लाह मैंने बाबरी मस्जिद का सौदा नहीं किया। और मरहूम कायद ने इल्जाम लगाने वालों को, उन पर, उनकी औलाद को सालार ने कहा कि अल्लाह इनको तबाह कर दे, ये झूठा इल्जाम उन पर लगाए। तो क्या सालार की कसम सही साबित नहीं हुई कि मरहूम इलेक्शन हारे, उनकी औलाद हारी? और याद रखो इंशाअल्लाह याकूबपुरे का तुम ख्वाब देख रहे हो, तुम क्या तुम्हारी नस्ल कभी मन नहीं सकता तुम कभी? हम तुमको इंशाअल्लाह चैलेंज कर रहे याकूबपुरे से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। मजलिस का उम्मीदवार तुम हो, तुम हो, तुम हो, हम तमाम मजलिस का उम्मीदवार है। ये नहीं हो सकते ये छोटी बीजेपी का उम्मीदवार, ये संघ परिवार और आरएसएस की चट्टी पकड़ कर चलने वाला कभी नहीं। आज आकर बड़े बड़े बातें, 5 साल पहले कहां थे प्यारे? 5 साल पहले कहां थे? 6 महीने पहले कहां थे? 10 महीने पहले कहां थे? 16 महीने पहले कहां थे? अरे 9 महीने में तो बच्चा जब पैदा हो जाता तुम कहां थे? सोच रहे थे कैसा सौदा करूं, कैसा मोदी को राजी करूं, कैसा राजनाथ सिंह को राजी करूं, क्यों नहीं खड़ा करे अंबर पेट से उम्मीदवार? बोले थे ना अंबर पेट, क्यों नहीं गए अंबर पेट? क्योंकि पेट में पड़ गया तो अंबर पेट भूल गए। ये जो काम करते पेट से करते, इनका पेट भर गया तो अंबर पेट हो गया, इनका पेट को मिला तो याकूबपुरे को आ गए। अजीज दोस्तों, इन लोगों को पहचानो। मैं आपके सामने जो कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सौदा ये हुआ नरेंद्र मोदी से और आरएसएस से कि चंद्रयान रूटी में आरएसएस बीजेपी इनकी तारीफ करेगी और याकूबपुरे में ये आकर हमारे इतिहास को इंतजार में तब्दील करना चाहेंगे ताकि यहां से बीजेपी कामयाब हो जाए। और बीजेपी क्या कह रही है कि हमारे याकूबपुरा में 1,20,000 वोट है। क्या आपको मालूम 1,20,000 वोट है? और ये कह रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है। अरे जब तुम उम्मीदवार बन गए तो बीजेपी का उम्मीदवार की क्या जरूरत? तुम वो काम कर रहे हो बीजेपी का। अजीज दोस्तों, इलेक्शन असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद पाशा कादरी या मुमताज खान का नहीं है। ये इलेक्शन इस बात को तय करेगा कि क्या हम बहसियत एक कौम, बहसियत एक अवाम, क्या हम हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी से बचाएंगे, क्या हम तेलंगाना पर एक सगर हुकूमत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ये फैसला होने वाला है इस इलेक्शन में।
ये फैसला उसी वक्त हो सकता है मेरे दीन दोस्तों जब आप और हम मुत्तहिद रहेंगे। ये शख्सियत का इलेक्शन नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं मट्टी का धूल हूं, मैं खत्म हो जाऊंगा इस दुनिया से, मगर याद रखो नौजवानों, ये जमात तुम्हारी अमानत है, ये जमात तुम्हारी ताकत है, इस जमात को इस ताकत को तुमको सुबह कयामत तक लेकर आगे बढ़ना। असदुद्दीन ओवैसी दुनिया में कब तक जिंदा रहेगा वल्लाह को मालूम, मगर जब तक रहूंगा मैं तुम्हारे सामने इन तमाम बातों का बयान करते रहूंगा, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं इन जालिमों से मुकाबला करूंगा, इन मुनाफिकीन से मुकाबला करूंगा, और जो मेरे इत्तेहाद और मेरी जमात के खिलाफ आग उठेगी हम मुकाबला करेंगे। अरे जब नरेंद्र मोदी से मुकाबला हो रहा तो उसके चमचे और चेलों को तो पैर के नीचे डाल के रोल लेंगे। यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, पूछो इनसे मेरे अजीज दोस्तों, और आप मेरे जवाब का सवाल देंगे नारा मारकर कि क्या 2012-11 नवंबर को याकूतपुरे से 10 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था एसआईटी और रेलवे पुलिस रैन बाजार में पकड़ कर लेकर गए, इन बच्चों का नाम बोल रहा हूं जिसमें हमारा कार्पोरेटर बिलाल शामिल है, जोड़ो बिलाल का, हाजी इफ्तार अब्दुल रहीम असलम रफीक इम्तियाज मोहम्मद फैसल, ये बच्चे तुम्हारे पास नहीं गए थे जमानत कराओ हमारी, पूछो जवाब पूछो इनसे, जब इनके पास पैसे नहीं थे बोले कि हम क्या करेंगे, हमारे घर कहाँ है भाई, एक चाय पिला तो बैठो, वो भी चाय लेके आया तो उसमें आधी आप मार के उसको। ये बच्चों का नाम मैं बह रहा हूं मेरे भाई, और ये बच्चे जवाब दे सकते 6,80,000 की जमानत का इंतजाम हम करें, 6,80,000। आप क्या सवाल उनसे करो गली कूचों में आए तो पूछो मेरे दोस्त, ये बच्चे गरीब बच्चे, इनकी जमानत के पैसे नहीं थे, अब इलेक्शन लड़ने के पैसे कहां से आए, जब बच्चों ने पूछा तो बोले चाय को पैसे नहीं है मियां, चाय को पैसे नहीं है, अब कहां से आ रहे, जब मजलिस ने इंतजाम किया 6,80,000 रुपए की जमानत करवाई बच्चों को, आज भी उनका मुकदमा लड़ रहे हम लोग, और इंशाअल्लाह ताला ये पूरे रैन बाजार के बच्चे बरी होंगे, देखना आप बड़ी होंगे बच्चे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा इससे पहले हर जगह का पर मोहब्बत का दावा करना इनका काम, ठीक है मोहब्बत मोहब्बत, आसाम में 1,50,000 लोग बेघर हो गए, आप उसके पास से पैसे नहीं निकले, जब आसाम क्यों नहीं गए, मैं ऐसा कर दूंगा मैं आसमान से कूद जाऊंगा मैं वो करूंगा, आसाम क्यों नहीं गए, मैं गया 3-3 मरतबा आसाम, डॉक्टरों की टीम को लेकर गए, 50,00,000 की रिलीफ वहां पर बांटे, क्या हमको आसाम में इलेक्शन लड़ना था, क्या हमको आसाम में मजलिस जमाना था, नहीं, जब देखे नजारे के 1,50,000 लोग हमारे रोडों पर आ गए, घर से निकाल दिए गए मारे गए तो देखा नहीं गया, सीने में तकलीफ हुई बेचैनी, बोले कि नहीं बैठ के रोने से कुछ नहीं होता, जाएंगे आसाम को, आज भी जाकर आसाम के उन जगहों पर पूछो बोलेंगे कि हाँ हिंदुस्तान से अगर कोई हमारे आंसू पोछने आए तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आई थी, इनके पास कोई जवाब नहीं, ना इनके माई बाप एडिटर के पास कोई जवाब, एडिटर साहब बच्चों को गोद दे भी अच्छा करे, पहले अपने बेटे को और अपने भाई से तो मिला दो, आपका बेटा आपके दफ्तर के सामने, आपका भाई आपके दफ्तर के नीचे, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते, एडिटर साहब आप कहां चले इधर आ रहे हैं, आप क्या भूल गए, लोग यही लोग मिलकर लड़े थे ना इलेक्शन, महाकुटुमी
महाकुटुमी सीपीआई सीपीएम तेलुगु देशम छोटी बीजेपी फिर ये पूरे मिलके आए, उसमें असल बीजेपी 5 मिलके 1 मरद से मुकाबला नहीं कर सके। किसी ने अच्छा कहा 10 भीड़े मिलके 1 मरद को नहीं पैदा कर सकते। अब आए हैं, अब बोले नहीं, अब 5 से काम नहीं होता, अंदर से बड़ी बीजेपी से बात कर लेंगे। हरीकर साहब बोले अब नहीं, मैदान में नहीं आ सकता मैं अखबार के कमरे में बैठूंगा एयर कंडीशन के, और मंदिर के खिलाफ अखबार को काला करूंगा। हरीकर साहब तुम पूरे अखबार को काला कर लो, तुम दिल में बन सकते हो तो मुस्लिम की नफरत नहीं पैदा कर सकते। सुन लो लिखने वालों, सुन लो बोलने वालों, दिलों को मोड़ने वाला अल्लाह है, और अल्लाह दिलों को मोड़ेगा मजलिस की तारीख में, मजलिस अल्लाह कामयाब करेगा। तुम अखबार काला कर लो, तुम इल्जाम लगाओ, ये हमारे खिलाफ रोज एडिटर साहब ऐसा लगता है आपको पेंचिश हो गई। जब तक नहीं लिखे हजम नहीं होता। स्कूल की बात कर रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे अजीज दोस्तों, 2005 में मरहूम सालार मिल्लत ने गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस को मजबूत करने की स्कीम निकाली सालार ने। इस साल याकूतपुरे में हम लोग क्या करते, एजुकेशन किट देते, बैग देते, 12 लॉन्ग बुक, एक कंपास बॉक्स, फिर एसएससी की इम्तिहान की फीस, फिर ऑल इन वन, और उसके बाद जो बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते हैं उनको 60% मार्क्स लाते 500 रुपए का इनाम, जो 70% लाते 3000, 80% लाते 7000 कैश प्राइज, और हर उर्दू मीडियम स्कूल जो 100% रिजल्ट आता है उनको 5000 रुपए इनाम दे। याकूतपुरे में इस साल झूठ बोल रहे स्कूल बंद हो गए बोल के, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कुरमा गुड़ाव रैन बाजार अलावा यतीम हाई स्कूल याकूतपुरा छावनी मोगलपुरा 3 हाई स्कूल सुल्तान शाही हाई स्कूल दरीचे माता मोगलपुरा हाई स्कूल 2, यहां पर इस साल आपको बता रहा हूं कि याकूतपुरे के गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में इस साल 1850 बच्चे बच्चियों में एजुकेशन किट दिए, 300 बच्चों की एसएससी की इम्तिहान की फीस दिए। एसएससी जो 60% लेके आए उससे ऊपर लेके आए 90 बच्चों को कैश इनाम दिए, ऑल इन वन 300 बच्चों को दिए। जुमला खींचे बच्चे ये साल मजलिस के स्कीम से इस्तेफादा हासिल किया उपरे के 2535। कभी इन गवर्नमेंट स्कूलों पे जाके पूछो आप, मैं कह रहा हूं हेडमास्टर से पूछो या सऊदी अवैसी ने कहा सही है या झूठ है, आपको बता दें। पिछले साल 2012 में 1700 बच्चे इस स्कीम से फायदा उठाए, और इस कितना हमने खर्चा किया ये साल याकूतपुरा में और दूसरे सामने हल्के जात में 55 लाख रुपए का खर्चा मजलिस का, ताली गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में। इनके पास कहां है, इलेक्शन आ गया तो आजा ये रख ले वो खा ले वो पी ले, ये पैसे फिर आपके पास कैसे आ रहे, पहले कहां से। तो मालूम हुआ कि गुजरात की सरजमीन से एक पाइप का कनेक्शन निकला करते वहां इनको पहुंच रहा है गुजरात का, वहां से आ रहा है इनको दौलत कि लो खर्चा करो मेरे भाई, पहचानो इन दोस्त नुमा दुश्मनों को, ये दुश्मन है हमारे इतिहास के, इनके पास कुछ भी नहीं है। फिर आप मजलिस और क्या करी बोलते ना, पुलिस का रिक्रूटमेंट हो रहा था कांस्टेबल का, 2 साल में मजलिस के कैंप से 90 लोग पुलिस कांस्टेबल बने, और सिर्फ 33 मुसलमान थे इसमें, सिर्फ 33 मुसलमान थे इसमें, सिर्फ 33। अब बताइए आप इसमें 9 लाख रुपए का खर्चा आया, मजलिस क्या करे, तुम क्या करे बाबा, तुम किधर करे और तुम क्या करे बोलूंगा इसके बाद।
9 लाख रुपए इम्तिहान का इससे ये कांस्टेबल के इम्तिहान में नेगेटिव मार्क्स थे, ये मुमताज खान असेंबली में खड़े होकर पूछे, कहा कि नेगेटिव मार्क्स निकालो, जाके वो किरण कुमार रेड्डी था चीफ मिनिस्टर, लड़े उससे, नेगेटिव मार्क्स निकाले। ये बच्चे पूरे कांस्टेबल बन के पुलिस स्टेशनों में काम कर रहे, इसमें खाली कितने मुसलमान 33 नंबर में से, क्या मंदिर का कारनामा नहीं है? अब इन्हों क्या करे बोल दो आपको, इनका दफ्तर वहां पर है, दफ्तर किसका है बोलो, कागज पेश करो, इनके वालिद मरहूम का नहीं है वो, इनके चिचा जो जिंदा है मोइन खां का, मां बैठे हुए आप खाली नहीं गुने करते, नहीं करते, मगर नहीं मैं स्कूल ऐसा ये बात, एक चाबूस साहब थे इंतकाल होगा विचारों का, उन्होंने वसीयत करे कि ये मेरी जमीन है या मस्जिद बनाना, ये पहुंच गए वहां पर जंगल में, कहते जानवर मरता तो ऊपर से चील कौवे देखते रहते, कीड़ा तबका खाएंगे, इनका काम वही है, ये गिद्ध है, ये इतिहास के दुश्मन, ये गरीबों के दुश्मन, यतीमों के दुश्मन, मरने वालों की वसीयत के दुश्मन। वो चाऊ उसको डरा के उसके भाई को कुछ 4-5 लाख रुपए दे दिए, 80 लाख में जमीन दे दिए, 50 गज पे कल्याणी बिरयानी की दुकान खोल दिए और वो कल्याणी बिरयानी खिला रहे बच्चों को, आओ कल्याणी बिरयानी खाओ। ये इनके कारनामे मेरे रफीक दोस्तों, ये कौन से दोस्त है हमारे, ये क्या करेंगे याकूब पुरे के बारे में, जो आदमी 6 महीने पहले 8 महीने पहले 10 महीने पहले 12 महीने पहले 2 साल कहीं नजर नहीं आया, 10 दिन में आके बोल रहा मैं तुमको सबसे ज्यादा चाहता हूं, मरहूम सालार बोलते थे ऐसे लोगों को देख के कि माँ से बढ़ के चाहिए पापा कुकनी का इलाई, ये इनकी मोहब्बत है दोस्तों। और आखिरी बात, क्योंकि 10 बजे जलसा खत्म करना है, मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं याकूब पुरे की आवाम के सामने, मैं जो कुछ कह रहा हूं ये सिर्फ याकूब पुरे की आवाम तक के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिनके दिल में मंदिर से मोहब्बत है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो इंसाफ पसंद है, ये इन तमाम लोगों के लिए जो उसूल पसंद है, मैं इन तमाम लोगों के लिए है जो गुंडों के खिलाफ है, उन तमाम लोगों के लिए है जो दहशतगर्दी और दहशत के खिलाफ है, इन तमाम लोगों के लिए जो जुल्म के खिलाफ है, मैं एक ही बात आपसे कह रहा हूं, अकबरुद्दीन अवैसी पर 2 साल पहले जो हमला हुआ, जिन लोगों ने अकबरुद्दीन अवैसी पर हमला किया, क्या वो उस जमात के लोग थे नहीं थे? आप जवाब दीजिए, अकबरुद्दीन अवैसी पर जिन लोगों ने पेट पर 4 गोलियां मारी, जिस्म पर चाकू मारा, वो कौन सी पार्टी के थे, कौन सी पार्टी के थे? अजीज दोस्तों, जरा जोर से बोलो, वो मंजिल के थे। आप बताइए, आज ये लोग आकर और पूछ रहे, क्या याकूब पुरे की आवाम गुंडों को वोट देगी, क्या याकूब पुरे की आवाम कादियों को वोट देगी? अभी इख्तदार इनके पास नहीं है तो वहां अकबर पर हमला किए, सीखेंगे मेरे अकबर क्या दुश्मनी थी हमसे, क्या दुश्मनी थी हमसे? दुश्मनी ये थी कि जब हम गंगानगर जाते या खुद बोले के गली कूचों का दौरा करते, तो क्या हर गरीब की ख्वाहिश नहीं है कि उसका घर हो? क्या आप साथी घर नहीं चाहते? आप साथी घर चाहते हैं मेरे दोस्तों। हम क्या बोले कि वहां पर 60 एकड़ जमीन है, वो जमीन वहां पर गरीबों का घर बनाएंगे, 10,000 घर बन सकते वहां पर, मुसलमान हिंदू नहीं सब गरीब के लिए, वो जमीन को बचा रहे थे गवर्नमेंट की, हम पर हमला कर इलेक्शन हार गए, और फिर उसके बाद जमीन का वो गवर्नमेंट की जमीन, ये पूरे इनके ही थे ना, इनके ही तो चाहने वाले थे, जमानत हुई तो इन्हीं नाच रहे थे ना, बहुत जिंदाबाद के नारे मार रहे थे जानी खाने में, वो वीडियो है ना, कितना नारे मार रहे थे, ऐसा मार रहे थे जैसा इनके पापा आ गए। अरे ये लोग कत्ल करने वाले, गोलियां मारने वाले, चाकू मारने वाले, क्या याकूब पुरे की आवाम गुंडों को वोट देगी? मैं तुमसे वादा कर रहा हूं,
यकीन अकबर उद्दीन ओवैसी के हमले के बाद मैंने तय किया कि यकीनन मेरी भी गलती हो सकती कहीं पर कि मैं अगर इनकी तारीफ नहीं करूंगा, इनको खत्म करूंगा, इन गुंडों को, शहर हैदराबाद का कोई गुंडा नहीं रहेगा आइंदा 5 साल में। जितने रौडिया जितने जालिम लोग हैं वो चपला पकड़ के भागेंगे याकूतपुरे से शहर हैदराबाद से। अकबर उद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले इनके दोस्त इनके पार्टी के, क्या आप ऐसे लोगों को अपना वोट दे सकते हैं? नहीं मेरे अजीज दोस्तों, नहीं दे सकते। ये जालिम लोग हैं, ये खातिरों का टोला है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अकबर उद्दीन ओवैसी से मोहब्बत है, अगर अकबर उद्दीन ओवैसी पर हमला क्यों, मेरा भाई अकबर जरूर है मगर अकबर तुम्हारा भी तो भाई है, अकबर तुम्हारा भी तो भाई है, ये बुजुर्गों का अकबर तो बेटा भी है, हमारी माओ का अकबर बेटा भी तो है। क्या आज हम गली कूचों में दौड़ा करते तो खवातीन मुझे देखकर बोलते कि तुम्हारा भाई कैसा है, सलाम बोलो, आंखों में आंसू लाकर मुमताज खान गवाही देंगे, रोते हैं हमारी अम्मा कहती कि तुम्हारा भाई को सलाम बोलो, अल्लाह उस बच्चे को शायद दे। बताओ अजीज दोस्तों, दुश्मनी क्या है? ये दुश्मनी कि हम गरीबों का साथ देते हैं, जालिमों का साथ देते, हम गरीबों के लिए 10,000 घर बनाना चाहे, ये तुम्हारे घरों को बर्बाद करना चाहे, ये बीजेपी से सौदा करके याकूबपुरे पर कामयाब करना चाहते बीजेपी को। नहीं मेरे दोस्तों, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मुमताज खान जी कोई हैसियत नहीं है, एक दिन मैं और मुमताज खान जमीन की गजा बनेगी, मगर याद रखो हमारा इतिहास टूटना नहीं चाहिए, हमारा इतिहास मजबूत होना चाहिए। आज हसरत बड़ी निगाहों से आरएसएस वाले बोलते कि हैदराबाद में पुराने शहर में कुछ नहीं कर सकते, इनको बड़ी तकलीफ होती कि हैदराबाद में कैसा करें, कैसा रोके मजलिस को, क्या करें, मुकदमा डाल दिए तहरीर के ऊपर। बताओ पूछो इनसे अकबर की तहरीर पर इनको क्या, इनकी क्या राय है? खुल के बोलो ना, वहां जाते बीजेपी के पास तो बोलते अकबर उद्दीन ओवैसी की तहरीर बड़ी गलत थी, नहीं बोलना था, क्या बोलना था, फिर आर्केस्ट्रा करना था। देवमत वालों की बात है क्या? अरे तुम तुम्हारी जबान बब्बन खात रख के पंजे कुछ नहीं मालूम, खातिरों का साथ दे रहे जो अकबर पर गोली मारे तुम्हारे पार्टी के, निकालो उनको पार्टी से, तुम बताओ बोलो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं उन लोगों से, सस्पेंड करो उन लोगों को, कुछ नहीं करते। एक बल्दिया का इलेक्शन नहीं लड़े मेरे भाई, एक बल्दिया का इलेक्शन नहीं लड़े, 50 किलोमीटर पर संगारेड्डी, 60 किलोमीटर पर वैखराबाद, वहां नहीं जा सकते, वैसे ये आसूद पर ऐसे ही है ना, मुझे यहां आगे ज्यादा थकन नहीं होती। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, ये खयालत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये जिद्दोजहद नहीं है, ये कुर्बानी का जज्बा नहीं है। आज खयालत करना, काम करना, वाम का जिगर होना पड़ता मेरे अजीज दोस्तों, मर मिटना पड़ता इस फाह में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, 30 अप्रैल को अपना एक एक और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को दीजिए, आप वोट मुमताज खान या सद को नहीं देंगे, आप मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को देंगे, इत्तेहाद और मुस्लिमीन को देंगे आप वोट, समझो इस चीज को, इत्तेहाद और मुस्लिमीन को। बरसों की मेहनत के बाद ये इत्तेहाद पैदा हुआ कि हर तबका हर मसलक सब साथ रहेंगे। आपका क्या है बताइए, इन लोगों का क्या करना चाह रहे हैं लोग? मेरे अजीज दोस्तों, एक एक वोट को इस्तेमाल करो, बटन के निशान पर वोट डालो, पार्लियामेंट में मजलिस को कामयाब करो ताकि आपकी आवाज गूंजती रहे, असेंबली में मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो ताकि कोई लड़ता रहे बीजेपी संघ परिवार से। अजीज दोस्तों, आज आपको हमको आगे बढ़ना है, लोग लाख कोशिश कर लेंगे हमारे इतिहास को तोड़ने की, मगर हम इतिहास को नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम और मजबूत करेंगे, हो सकता है कि गलतियां हुई होंगी, कमजोरियां दूर करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं
कि जाखुरपुरे के गली कूचों में जिस तरह हम फिर रहे हैं उस तरह से उस दिनवेसी तुम्हारे घर के दरमियान में रहेगा। हम यकीनन पूरे काम करवाएंगे, काम हुए और भी काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन मुनफरिद है, ये इलेक्शन इंफरादियत का नहीं है, ये इलेक्शन इज्तमाइयत का है। अपनी जमात का साथ दो, पतंग के निशान पर और डालो और मिस्टर मोदी को हराओ। वो मिस्टर मोदी जो 45 साल के बाद बोले कि हाँ मैं शादी किया, 45 साल तक खामोश बैठे रहे और कोई टीवी वाला इंटरव्यू में नहीं पूछ रहा उससे। हम टीवी पे गए तो पूछते अकबर के बारे में, क्या है अकबर 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 अकबर। अरे कोई टीवी पे जाते कि मैं बोलता हूँ, पहले कोई पूछ लो तो कोई ये नहीं पूछ रहा मिस्टर मोदी आपकी शहजादी कहाँ है, इतने साल क्यों लगे आपको। हमको बोलते दो करते, तीन करते, चार करते, 18 पैदा करते, 15 पैदा करते। अरे आप 45 साल में उन्हें गायब कैसा हो गए भाई। कोई तो टीवी वाला पूछे मिस्टर मोदी 45 साल क्यों लगे इकरार करने के लिए, हमारे पास तो ऐसा होता कबूल कबूल पाता। 45 साल लगे, ये संघ परिवार की आइडियोलॉजी है, करके भूल जाना। उन्हें कहा नहीं जाओ, वो औरतों का आप नहीं है, वो औरतों का आप नहीं मार रहे, हम गए तो बोले दबा रहे दबा रहे दबा रहे, वो क्या कर रहे फिर। अजीज दोस्तों, जो आदमी एक औरत का हक नहीं दिया हिंदुस्तान का वजीर आजम क्या बन सकता है। आप इस वजीर आजम बनाने से रोकना है, बड़ी बीजेपी को रोकना है, छोटी बीजेपी को रोकना है, तो पतंग के निशान पर वोट डालिए, अपनी जमात को कामयाब करिए, खूब दुआ करिए अल्लाह से। इस मजमे में जो आए थे मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अपने आंसुओं में अल्लाह से दुआ करिए कि परवरदिगार ये जमात को और फैला दे सारे हिंदुस्तान में, ताकि आवाज बन सके हर भैया।